सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी धू धू कर जली। मारुति को गाड़ी में जोरदार आग लग गई। करीब आधे घंटे तक आग लगी रही। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चलती कार में आग लगी है। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास का ये वाकया है, जहां पर यू टर्न लेती हैं गाड़ियां, ठीक उस जगह पर ये वाकया हुआ है। और यहां पर एक इको गाड़ी धू धू कर जलने लगी, चलती कार में भीषण आग लगी है। तो कैंट मेट्रो स्टेशन के पास कार में आग लगी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, धू धू कर ये कार जली है। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास का ये वाकया है और देखते देखते कार पूरी तरीके से यहां खत्म हो गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो चलती कार में आग लगी है, ये भीषण आग आपको बता दें। और इसके चलते वहां पर ट्रैफिक पे भी दिक्कतें हुई हैं। और आपको बता दें कि ये सुबह का वक्त जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन ये कार ने जब आग पकड़ी तो देखते ही देखते ये पूरी तरह खाक हो गई। ये इको गाड़ी है जिसमें आग लगी है। ये कैंट मेट्रो स्टेशन के पास का वाकया है। पीछे ट्रैफिक को रोका गया और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इको कार पूरी तरीके से खाक हो गई। कैंट मेट्रो स्टेशन के पास कार में आग लगी है, चलती कार में लगी आग का ये वीडियो आप देख रहे हैं। बेहद व्यस्त ये रूट है, धौलकमा और नारायणा को जोड़ने वाला ये रूट, जहां पर आग लगी है। आप देख सकते हैं कि ये इको कार जिसमें आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी तरीके से खाक हो गई। शरद अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ और जानकारी मिली है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जो कार में आग लगी? बिल्कुल वरुण, अगर इस इलाके से आप परिचित होंगे तो देख सकते हैं कि ठीक मेट्रो के पास ये पूरा इलाका है जहां से यू टर्न लेते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी मोड़ी, वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ये ड्राइवर गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है, लेकिन फिलहाल धू धू करके पूरी गाड़ी जल रही है। और बात करें इस पूरे इलाके की तो इस वक्त काफी ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, हालांकि यू टर्न पे है इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ है और वहां पर पुलिस ने भी ट्रैफिक को रोक दिया है। ऐसे में गाड़ी धू धू करके चल रही है, लेकिन ये खास बात नहीं कि ड्राइवर निकलकर बाहर आ गया, तो ऐसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी खाली थी और महिपालपुर की ओर जा रही थी और इसी बीच में हादसे का शिकार हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फोन किया गया फौरन, हालांकि थोड़ा लेट लगा आने में। ऐसे में गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी, बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और अभी गाड़ी आग बुझाने की कोशिश हो रही है। वरुण जी, शरद, आमतौर पर होता ये कि क्योंकि ये एक इको गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है वैसी लग रही है, इसलिए सेंटर लॉकिंग नहीं है, शायद इसलिए ड्राइवर बच गया, क्योंकि ऐसे हादसों में अक्सर देखते हैं कि सेंटर लॉकिंग की वजह से आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही, सेंट्रल लॉकिंग ना होने की वजह से ड्राइवर तुरंत निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि अगर कोई और अच्छी गाड़ी होती तो शायद उसमें सेंट्रल लॉकिंग की वजह से ड्राइवर फंस सकता था। ऐसे में हमने कई बार देखा है कि ड्राइवर निकल नहीं पाते और जल के उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में ड्राइवर फौरन निकल के बाहर आ गया और ऐसे में उसकी जान तो बच गई। हालांकि गाड़ी में अगर कोई ऐसा उपकरण होता जिससे आग बुझा सकता तो शायद गाड़ी भी बच सकती थी, लेकिन ये भी एक कमी सामने आई कि ड्राइवर, मैंने उससे बातचीत की ड्राइवर से, उसने बताया कि उसके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं था, वो निकला, उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक ये पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि लोगों का हुजूम एक वहां पर लगा हुआ था और लोग देख रहे थे कि आखिरकार ये पूरी आग लगी है वो कैसी है लगी हुई है, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक की समस्या भी हुई। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची, ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे और क्योंकि काफी पीक आवर है, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, तो लोगों को हटाया गया। उसके बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन यह है कि गाड़ी के आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया।
शुक्रिया शरद जानकारी के लिए। शरद अवस्थी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो ये दिल्ली कैंट का यू टर्न है, यहाँ से बेस हॉस्पिटल और एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए गाड़ियाँ मुड़ती हैं और यहाँ पर ये वाकया हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंट मेट्रो स्टेशन के पास कार में आग लगी है।